की शकल देखोगे डर जावेगो। मैया या की शकल या से यमराज डरे, तेरो छोरा कोई सामान्य छोरा ना है। जब मैया ने दर्शन नाए कराए तो भगवान शंकर के लिए रोने लगे भगवान। मैया घबराई, मैया शंकर जी बोले, मैया या को भूत लग गए हैं। अब बाबा भूत कौन उतारे गो? शंकर जी बोले, नाम मारो भूत भावन है, लाओ या के भूत हम उतार दें। बाबा तो को भूत उतारनो आवे? शंकर जी बोले, हम ही उतारे सबन के भूत, तेरे छोरा के ना उतार देंगे मैया, ला। मैया ने जैसी गोद में दियो, कन्हैया खिलखिला के हंसवे लग गए और भगवान श्री श्याम सुंदर की पावन मुस्कान पर शंकर जी रीझ गए। भगवान शंकर भी कैलाश छोड़कर श्याम सुंदर का दर्शन करके ब्रजमंडल में दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में आते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण का भी दर्शन भोलेनाथ जी करने आते हैं और राम का भी दर्शन करने भोलेनाथ जी आते हैं। तो राम और कृष्ण ये दोनों एक ही हैं और शंकर जी सदा इनका ध्यान करते हैं। शंकर जी किसका भजन करते हैं? भगवान राम का, कृष्ण का, श्रीमन नारायण का। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, जिनके हृदय में सदा सीता राम बसते हैं, ऐसे भोलेनाथ जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब भगवान का उत्सव चालू था, नंदोत्सव के पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसया पहरए स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती, कंस की मंत्री थी पूतना, सलाहकार थी, सचिव थी। पूतना को भगवान को मारने के लिए कंस ने भेजा, जाओ कृष्ण को मार कर आओ, बच्चे अभी जन्म लिए हैं सबको मार दे। चली पूतना मौसी। पूतना भगवान को किस तरह से मारती है भैया? पूतना भगवान को किस तरह से मारने का प्रयास करती है? अपना दूध पिलाकर, तो दूध पी के थोड़ी कोई मरता है। हाँ, पूतना ने अपने स्तनों में दूध की जगह जहर लगा रखा था, जहर भर रखा था कि जहर पिलाऊंगी कन्हैया को, बच्चे को, वो मर जाएगा। कंस का रास्ता साफ करने चली थी। अच्छा, पूतना यशोदा माँ कन्हैया को लिटा कर दूध पिला करके पालने पर लिटाई थी। भगवान खेल रहे थे, जो मैया को लगा मैं काम निपटा लूं, मैया काम करने चली गई। तभी पूतना आई, बड़ी सुंदरी बनकर आई है रूप। पूतना थी तो राक्षसी, लेकिन बनकर कैसी आई? सुंदरी। अच्छा, उसका नेचुरल असली रूप कैसा था? राक्षसी थी। और बनके कैसी आई? सुंदरी। भगवान ने पूतना को देखते ही अपनी आंखें मूंद ली। बताओ, भगवान ने आंखें क्यों मूंद ली? भगवान ने पूतना को देखना ठीक नहीं समझा। बता, पूतना को देखकर भगवान ने आंखें क्यों मूंद ली? बता बता, क्यों मूंद ली मैया? बता क्यों? राक्षसी थी तो राक्षसी को देख के भगवान आंखें बंद कर लेते हैं? नहीं, रावण भी तो राक्षस था, कहां देख के बंद किए? क्यों मैया बताएंगी? क्यों बंद कर ली भगवान ने आंखें पूतना को देखकर? मुंह खुल तो रहा पर कुछ निकल नहीं रहा है, इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान कहते हैं यदि ये राक्षसी थी और राक्षसी बनकर आती तो मैं आंखें नहीं बंद करता, मैं इसे जरूर देखता। लेकिन ये है राक्षसी और बनकर कुछ और आई है, और जो अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो, ऐसे कपटी को मैं देखता नहीं हूं। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप जैसे हैं वैसे ही जाइए भगवान के सामने,
आप यदि हैं कुछ और बनेंगे कुछ और तो भगवान समझेंगे कपट। इसलिए आप जैसे हैं, आप राक्षस हैं तो राक्षस ही की तरह जाइएगा, स्वीकार कर लेंगे भगवान। रावण का भाई विभीषण जैसा था वैसी गया तो स्वीकार कर लिया। और हनुमान जी भगवान राम से पहली बार मिलने जब आए तो पंडित जी बनकर आए थे, पता है आपको? नहीं पता? रामचरितमानस पढ़ा करो।